Hello students, myself Shoti and I welcome you all on the e-learning platform of Topaz Tutorial. And today we are going to discuss about our chapter acid bases and salt. So इसके first three videos आपने देख लिए होंगे जिसमें हमने basic physical properties of acid bases and salt, फिर उसके बाद हमने acids की chemical properties, bases chemical properties, indicators and pH scale, okay? इन सब के बारे में हम अपने previous videos के अंदर discuss कर चुके हैं. जो जो topics अब हम अपने इस video के अंदर discuss करेंगे वो है what is salt, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट. ओके, सो ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं इस चैप्टर के, मोस्टली बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है देन यू कैन आस्क मी इन आवर लाइव सेशन ऑफ द टॉपर्स ट्यूटोरियल. ओके, एंड अगर अभी तक आपने इसका सब्सक्रिप्शन पैक नहीं लिया है तो यू कैन सब्सक्रिप्शन पैक ले लीजिए क्योंकि अभी इस पर 50% डिस्काउंट चल रहा है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सोल्ट्स, तो सोल्ट्स क्या होते हैं? सोल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड. सोल्ट्स क्या होते हैं बेटा? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब हमने एसिड बेसिस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी ना, कि जब एसिड्स और बेसिस जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करते हैं देन क्या बनता है आपका? सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है. और वो रिएक्शन क्या होती है आपकी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है. अब सॉल्ट्स जो होते हैं वो आपके नॉर्मली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. सॉल्ट्स आर न्यूट्रल. सो बेसिक करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो जाएंगी सॉल्ट की? क्रिस्टलाइन सॉलिड, ट्रांसपेरेंट और ओपेक होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट. अगर मोल्टन स्टेट में अगर हम सॉल्ट को ले रहे हैं देन वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. एंड इनका टेस्ट जो है वो आपका सोल्टी, सोर, बीटर, स्वीट, कैसा भी हो सकता है. न्यूट्रल सॉल्ट जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? ऑर्डरलेस होते हैं. और आपके सॉल्ट जो है वो कलरलेस भी हो सकते हैं, कलर्ड फॉर्म में भी मिल सकते हैं. सो दीज आर द सम बेसिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सॉल्ट. ये सॉल्ट्स की कुछ के बेसिक करैक्टरिस्टिक्स हैं. अब उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका आता है सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स. अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आएगा कॉमन सॉल्ट. अब कॉमन सॉल्ट तो आपको पता है ना, जो हम नॉर्मली घरों में जो सॉल्ट यूज़ करते हैं वो आपका कौन सा होता है? कॉमन सॉल्ट होता है. एंड उसका फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl. सो कॉमन सॉल्ट क्या है? सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज ए कॉमन और टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं. इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एंड ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब रिएक्शन करवाई जाती है देन हमें क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड मिलता है. इट इज़ न्यूट्रल सॉल्ट. और ये कैसा होता है? न्यूट्रल होता है. इसकी जो पीएच होती है वो नियरबाई कितनी होती है? 7 होती है. और सोडियम क्लोराइड इज़ यूज टू इन्हेंस द टेस्ट ऑफ फूड. अब नॉर्मली जब कुकिंग वगैरह की जाती है उसमें टेस्ट इंक्रीज करने के लिए, टेस्ट के लिए क्या किया जाता है? फूड ऐड, सॉरी सॉल्ट ऐड किया जाता है. सोडियम क्लोराइड इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग मैनी केमिकल्स. और बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स को बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट का यूज किया जाता है. सो अब हम क्या करेंगे? वो जो कंपाउंड्स हैं जिनको प्रिपेयर करने के लिए सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है उन कंपाउंड्स के बारे में अभी हमें डिस्कस करने वाले. तो फर्स्ट जो कंपाउंड आपका आता है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. फर्स्ट कंपाउंड कौन सा आता है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH. और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका? एक बेस है. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रोंग बेस. ये एक स्ट्रोंग बेस है. एंड इसको क्या बोला जाता है? कास्टिक सोडा. अब आपसे नॉर्मली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? 1 मार्क्स में, लाइक व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है? तो कॉमन नेम आप क्या बताएंगे? कास्टिक सोडा. या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ कास्टिक सोडा. कास्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या है?
सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अगर फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो NaOH। ओके सो ये जो नेम है ना, जितने भी कंपाउंड्स केमिकल कंपाउंड्स अभी हम करेंगे उनके जो नेम्स हैं, कॉमन नेम एंड केमिकल नेम, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ओके सो प्लीज़ ये थोड़ा सा ध्यान से कर लीजिएगा। अब इट इज़ ऑब्टेंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। अब ये कैसे ऑब्टेन किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की जाती है किसकी, सोडियम क्लोराइड NaCl की। क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस की जाती है एंड इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ बेराइन, बेराइन मीन्स जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं ना सोडियम क्लोराइड, बेराइन इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम क्लोराइड, बेराइन डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में हमें क्या क्या ऑब्टेन होता है, क्लोरीन इज ऑब्टेंड एट ए एनोड, एनोड पे हमें क्या मिलता है, क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेंड एट ए कैथोड, और जो पूरी जो कंप्लीट जो प्रोसेस होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करने की, वो आपकी क्या होती है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर किसके लिए, क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही है, अल्कली आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है कि बेस है, बेसिस क्या होते हैं, अल्कली बोला जाता है ना, सो क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब ये जो प्रोडक्ट्स होंगे उनके क्या क्या यूजेस होंगे, क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं आपके यहाँ से, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, हाइड्रोजन गैस जो है उसको यूज किया जाता है फ्यूल के लिए, अमोनिया प्रिपेयर करने के लिए फॉर फर्टिलाइजर, एंड जो क्लोरीन गैस यूज की जा प्रोड्यूस होती है यहाँ पे उसका यूज़ किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट, वाटर सो वाटर क्लीनिंग के लिए, वाटर को डिस इन्फेक्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, क्लोरीन गैस का यूज़ किया जाता है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पाइप्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्लोरीन गैस एंड डिस इन्फेक्ट, CFC क्लोरोफ्लोरो गैस, पेस्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। सो ये क्या आते हैं, दीज आर द सम यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस के कुछ के यूजेस हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट आपका क्या बनता है यहाँ से, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है इसको यूज किया जाता है मेटल्स की डिग्रीशिंग के लिए, पेपर मैन्युफैक्चर करने के लिए, सोप बनाने के लिए, डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल फाइबर, ब्लीच वगैरह प्रिपेयर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। ओके सो दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्म्ड इन क्लोरअल्कली प्रोसेस। क्लोरअल्कली प्रोसेस में कौन से प्रोडक्ट बने आपके, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके ये देखो, यहाँ से देखो H2 कहाँ पे बन रहा है आपका, कैथोड पे, एनोड पे क्या बन रहा है, क्लोरीन गैस, और क्या बन रहा है प्लस में आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो हाइड्रोजन गैस है उसका यूज़ फ्यूल, मार्गराइन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर के लिए यूज़ किया जाता है, क्लोरीन गैस का वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पोल्स, PVC डिसइंफेक्ट, CFC पेस्टिसाइड में यूज़ किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको मेटल्स को ग्रीशिंग करने के लिए, सोप्स डिटर्जेंट प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। अब जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, हाइड्रोजन और जो क्लोरीन है, अब जब इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में यूज किया जाता है तब आपका क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ओके जिसका यूज किया जाता है क्लीनिंग स्टील, अमोनियम क्लोराइड, मेडिसिंस और कॉस्मेटिक सामान में यूज किया जाता है। उसके बाद जो यहाँ से आपका क्लोरीन गैस और जो कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, अगर हम इनको कंबाइंड फॉर्म में ले लेते हैं देन कि इसमें यूज़ होता है आपका क्या बनता है, इससे कंबाइंड फॉर्म में ब्लीच की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, एंड ब्लीच का यूज किया जाता है ब्लीचिंग हाउस होल्ड ब्लीचेज के लिए, ब्लीचिंग फैब्रिक को ब्लीच करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके सो ये क्या था आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को किससे प्रिपेयर किया गया है, क्लोरअल्कली प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें जो सोडियम क्लोराइड जो सोल्ट होता है आपका उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से डिकम्पोज किया जाता है, वहाँ से आपका हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ओके देन फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है
ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर जो है इसको बोला जाता है क्लोराइड ऑफ ए लाइम भी बोलते हैं। एंड अगर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होगा, तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। एंड केमिकल फॉर्मूला होगा इसका CaOCl2। ओके, इट इज़ सॉलिड एंड येलो इज वाइट इन कलर। ये कैसा होता है? सॉलिड होता है, येलो इज वाइट होता है कलर में। ब्लीचिंग पाउडर कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड बाय स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ ए क्लोरीन, और इसको हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लोरीन की स्ट्रॉन्ग स्मेल से। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद ए क्लोरीन, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है, इट गिव्स कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो आपका क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन होती है वाटर के साथ में। तो सिलेक्ट ए लाइम, CaOH ट्वाइस प्लस Cl2 क्लोरीन गैस, क्या बन गया आपका? ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर H2O। एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर, और इसका जो एक्वेस सॉल्यूशन होता है उसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। द टर्म ब्लीच मीन्स रिमूवल ऑफ ए कलर्स। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑफन यूज टू ब्लीच एज ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीच का मतलब क्या होता है? कलर रिमूवल, ठीक है। और जो ब्लीचिंग पाउडर जो है उसको एज ए ब्लीचिंग एजेंट यूज किया जाता है। ओके, सो सेकेंड ये क्या था आपका? ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। उसके बाद फिर आपके आते हैं यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कि ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या होंगे। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज एज डिसइनफेक्ट टू क्लीन वाटर, इसको एज ए डिसइनफेक्ट यूज किया जाता है वाटर क्लीनिंग के लिए, मोस्ट रिमूवर वीड किलिंग के लिए। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कॉटन की ब्लीचिंग के लिए यूज किया जाता है। वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री is used as oxidizing agent in many industries such as textile industry, paper industry. So ये क्या है? These are the some uses of a bleaching powder. उसके बाद फिर next आपका आता है baking soda. अब baking soda क्या होगा? Another important compound होता है जिसको prepare किया जाता है, जो हमारा क्या बना था वहाँ से, जो product बना था chloralkali process से। द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा इज, और केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है? दूसरे नाम है जो बेकिंग सोडा के लिए यूज किए जाते हैं। अब इसका प्रिपरेशन मेथड, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? जो बेराइन होता है ना आपका NaCl+H2O, ओके, उसकी रिएक्शन करवाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया के साथ में। वहाँ से फिर आपका प्रोडक्ट बनता है अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सो ये क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद आती है इसकी बेकिंग सोडा और ये जो सोडियम कार्बोनेट आपका, इसकी जो बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी? सोडियम कार्बोनेट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये कैसा होता है? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अपीयर्स एज फाइन पाउडर, और ये कैसा दिखता है? कि फाइन पाउडर की तरह हमें दिखता है। एंड सोडियम कार्बोनेट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक नेचर मतलब ये एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करता है। बेकिंग सोडा इज हीटेड, इट डिकम्पोज इनटू सोडियम कार्बोनेट। एंड जब इसको हीट किया जाता है देन वहाँ से आपका क्या प्रिपेयर हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। अब जो सोडियम कार्बोनेट यहाँ से प्रिपेयर किया जाता है आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज इनटू सोडियम ऑक्साइड, उसको किसमें डिकम्पोजिशन के बाद वो किसमें? सोडियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ओके, और ये जो रिएक्शन होती है आपकी, इसको बोला जाता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन होती है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ओके, देन उसके बाद फिर आपका आता है यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, कि बेकिंग सोडा जो है उसके यूजेस क्या क्या होंगे। तो बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है।
used in cooking as it produces carbon dioxide which makes the batter softy and is spongy. और जैसे बैटर जो होता है ना उसको सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज़ होता है. एज एन एंटासिड भी यूज़ करते हैं हम इसको. टूथपेस्ट में यूज़ किया जाता है. क्लिनसिंग ऑफ ऑर्नामेंट, जो सिल्वर ऑर्नामेंट्स होते हैं उनकी क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड एज ए हीटिंग, मीन्स ये एज ए फायर एक्सटिंग्यूशर भी इसका यूज किया जाता है. सो दीज आर द सम यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, या फिर बोल सकते हैं आप सोडियम बाइकार्बोनेट. उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्या आता है, बेकिंग पाउडर. अब बेकिंग पाउडर क्या था आपका, जो सोडियम बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग पाउडर प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग. ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है हीटिंग करने से. एंड इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग टू मेक बैटर स्पंजी. बेकिंग पाउडर इज मिक्सचर ऑफ, बेकिंग पाउडर क्या होता है आपका, माइल्ड एडिबल एसिड और बेकिंग सोडा का मिक्सचर होता है. एडिबल एसिड मीन्स जो टार्टरिक एसिड और बेकिंग सोडा का मिक्सचर होता है. एंड इसको बेकिंग प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है. केक वगैरह बनाने के लिए किसका यूज होता है, बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है. ब्रेड को ये क्या कर देता है, फ्लफी बना देता है. ओके उसके बाद फिर क्या था, ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है. जब उसको हीट किया जाता है तो क्या बनता है आपका, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है. अब फिर आपका नेक्स्ट आता है वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा का क्या में जो केमिकल नेम होता है वो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट. एंड इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3. सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन की जाती है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है जब उसकी हीटिंग की जाती है, ओके, तो वहाँ से क्या होती है आपकी सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है. एंड ये जो प्रोसेस होती है इसको बोला जाता है सोल्वे प्रोसेस. सोडियम हाइड्रोजन सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेंड इन दिस प्रोसेस इज ड्राई. और ये कैसे होता है, ड्राई होता है. इट इज़ कॉल्ड सोडा एस, इसको सोडा एस भी बोलते हैं. और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी बोला जाता है. वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय रिहाइड्रेशन एंड एनहाइड्रस सोडियम, रिहाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट. अब जो आपने देखा होगा कि जो वॉशिंग सोडा है आपका वो किसे है, ड्राई फॉर्म में. अब यहाँ से जो हम सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन करते हैं वो कैसा आपका, अनहाइड्रस है. अब इसको हाइड्रेट करने के लिए इसके साथ में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड किए जाते हैं. व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट इज सोल्युबल इन वाटर, व्हेन मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट्स आर इनसोल्युबल इन वाटर. तो यहाँ से आपका क्या बनता है, Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट. और ये कैसा होता है आपका, हाइड्रेटेड होता है. देन फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है यूजेस ऑफ ए सोडियम कार्बोनेट, कि सोडियम कार्बोनेट के यूजेस क्या क्या होंगे. अब इसके यूजेस क्या क्या हो जाएंगे, वॉशिंग सोडा जो होता है, क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, डिटर्जेंट केक एंड पाउडर प्रिपेयर करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है. सो दीज आर द सम यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा. अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, कि जो सोल्ट्स होते हैं उनके साथ में कई बार क्या होता है कि मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और उनको क्या बोला जाता है, हाइड्रेटेड सोल्ट बोला जाता है. द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सोल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट CuSO4, पेंटा 5 हाइड्रेट H2O वाटर. तो ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ब्लू कलर किसकी वजह से होता है, जो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से होता है. जब हम कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं देन इसका वाटर जो है वो कैसा होगा, इवापोरेट हो जाएगा. ये किसमें, ग्रे वाइट कलर में चेंज हो जाता है. बट अगर इसके अंदर हम फिर अगेन क्या कर देंगे, वाटर ऐड कर देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जब ऐड कर दिया जाएगा तो ये फिर से किसमें, येलो कलर में आ जाएगा. तो येलो कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट जो है वो हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ ए वाटर की वजह से आता है. ओके अब CuSO4 5H2O क्या आपका हाइड्रेटेड है, एंड ओनली CuSO4 क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस, मतलब इसके पास में कोई भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है. ओके
सो ये था आपका चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जिसके हमने चार पार्ट्स किए हैं। अब इन चारों वीडियोस को आप स्टार्टिंग से लास्ट तक कंटिन्यूसली देख लीजिएगा। अब उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट आता है देन यू कैन आस्क मी इन आवर लाइव सेशन ऑफ ए थोपर्स ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।